स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसके अंदर कंपलसरी क्वेश्चंस रहते हैं, उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेंगे और विद आंसर्स ये लेक्चर आज हम करेंगे। तो ये पार्ट 4 है। इससे पहले के 3 पार्ट्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं और स्टूडेंट्स रिकमेंडेड है पेपर में जाने से पहले इन सभी लेक्चर्स को जरूर से आप करके जाए, ताकि कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो और पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स भी आपके आए। तो आप के लिए ये सब क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से आपके प्रिपरेशन पेपर के लिए करा रहे हैं। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, जो 16 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई यूजिंग कार्नफ मैप, वेयर एफ ए बी सी इक्वल टू सपोज एम जीरो, दिस इज एम जीरो प्लस एम टू प्लस एम फोर प्लस एम फाइव प्लस एम सिक्स। ठीक है, तो ये मेन टर्म्स दी हुई है और 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास और इनकी हेल्प से हमें बनाना है कार्नफ मैप। ठीक है, तो जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो उसके 3 वेरिएबल्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं 8। ठीक है, तो हम 8 सेल वाला कार्नफ मैप बनाएंगे एंड दिस इज के मैप। यहां पर हमने 8 सेल्स रखने हैं और ये हमारे बन गए 8 सेल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ हमने रखा ए और यहाँ पे हमने रखा बी सी। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर्स हैं इनको अगर आप डिटेल्ड सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप जाएं और उसकी प्लेलिस्ट में, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में आप जाएं तो आपको हर एक लेक्चर बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत ईजी मैनर में समझाया गया है, डिटेल्ड समझाया गया है। ठीक है, तो दिस इज 0 1, दिस इज ए बार एंड दिस वन इज ए, 0 0 0 1 वन 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 जीरो। ठीक है, ये कैसे होते हैं ये सारा लेक्चर्स में समझाया हुआ है, आप वहाँ जाकर ये कन्फ्यूजन्स अगर हैं तो क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमने के मैप का स्ट्रक्चर बना दिया। अब हम एम जीरो, एम जीरो दिस इज 0 1 2 3 4 5, ये सेल्स की पोजीशंस हैं, 6 7। ठीक है, तो अब हम जो है ज़ीरो जीरो पे रखेंगे, 1 2 पे, दिस वन इज 2 4 5 6, 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमने बनाने हैं ग्रुप्स। सबसे पहले हम लार्जेस्ट ग्रुप बनाते हैं, तो ये कॉर्नर का 4 का लार्जेस्ट ग्रुप हमारा पहला बन रहा है, पहला ग्रुप। ठीक है, और सेकंड ग्रुप इज दिस वन, तो ये 2 ग्रुप बन गए। अब पहला ग्रुप को हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहला ग्रुप में टॉप मोस्ट में दिख रहा है हमें बी बार सी बार, बी सी बार, तो इट मीन्स बी चेंज हो रहा है, सी कांस्टेंट है, सी बार कांस्टेंट है, तो जो भी हमारा कांस्टेंट होता है हम उसे रखते हैं यहाँ पे, सी बार हमने रख लिया ऊपर से। ठीक है, और यहाँ ए बार से ए कट गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप 4 वाला ग्रुप हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सेकेंड ग्रुप लेंगे, ये वाला, ये वाला, तो इसमें हम ऊपर देखें तो बी बार सी बार है, बी बार सी है, तो बी बार तो कांस्टेंट है जो कि हम ले लेंगे और सी चेंज हो रहा है जिसे हम छोड़ देंगे। इधर इसके सामने अगर हम देखें तो दिस इज ए, दिस इज ए, तो इसका आंसर आ गया सी बार प्लस ए बी बार। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया के मैप यूजिंग, यूजिंग के मैप हमने ये बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है। नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंसेज बिटवीन एस्काई एंड ई बी सी डी आई सी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस के लिए हमने ये लाइन लगाई। अब हम जो है बताएंगे डिफरेंस बिटवीन द एस्काई एंड ई बी सी डी आई सी। ये दोनों ही करेक्टर कोड है, ये 7-bit कोड है, इट इज 7-bit कोड, इट इज 7-bit कोड एंड दिस वन इज, इट इज 8-bit कोड, जबकि ये 8-bit कोड है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। एस्काई कोड इट इज यूज्ड बाय स्मॉल कंप्यूटर्स, ये जो यूज होता है इट इज यूज्ड बाय स्मॉल कंप्यूटर्स, छोटे कंप्यूटर्स इसको यूज करते हैं, जबकि ई बी सी डी आई सी यूज होता है
बाय द बिग कंप्यूटर्स. इट इज नेक्स्ट डिफरेंस. और इसका डिफरेंस अगर हम लें तो इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर. इसके लिए जो हार्डवेयर्स होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि इट रिक्वायर्स वेरी सिंपल हार्डवेयर. जो ई बी सी डी आई सी है दैट रिक्वायर्स वेरी सिंपल हार्डवेयर. इट इज इट्स नेक्स्ट डिफरेंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर कोड कन्वर्टर्स? कोड कन्वर्टर्स क्या होते हैं? तो कोड कन्वर्टर्स जो होते हैं विच कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन. कोड कन्वर्टर्स होते हैं विच कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोडेड फॉर्म टू अदर्स. जो इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन कोडेड फॉर्म, एक कोड से दूसरे फॉर्म में, कोड में वन कोडेड फॉर्म टू अदर, ठीक है, वो होते हैं कोड कन्वर्टर्स. फॉर एग्जाम्पल 8421 को कन्वर्ट करते हैं ये लाइक साइक्लिक कोड में, ठीक है, तो एक कोड को कन्वर्ट किया इसने दूसरे कोड में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक. तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स या कॉम्बिनेशनल लॉजिक होते हैं जहां पर आउटपुट डिपेंड करता है ओनली ऑन इनपुट पे, ठीक है. और इसके एग्जांपल अगर हम लें तो हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डीकोडर, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं. कोड कन्वर्टर्स, ठीक है, दीज ऑल आर द कन्वर्टर्स, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक. नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एड 648. आपको कोई भी इस तरीके से दो नंबर्स दिए हुए होंगे, अगर आपको उसको एड करने के लिए बोला जाए इन बी सी डी कोड, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसे एड करना है 648487. तो हम कोड करेंगे, मतलब बी सी डी कोड के अकॉर्डिंग हम इनको ऐड करेंगे, तो हम हर एक बिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसकी बाइनरी लेंगे पहले. तो 6 का कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी होती है, डेट इज 0110. तो ये मैंने देखी है 8421 के अकॉर्डिंग, ठीक है. फिर 4 बिट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी होती है 0100. 8 के कॉरस्पॉन्डिंग होती है 1000. इसी तरीके से 487, इनके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी भी ले लेंगे. 4 के कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी होती है 0100. 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 1000. 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 0111. अब हम करेंगे इनको ऐड, ठीक है. इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने बाइनरी ली, अब हम उनको ऐड कर देंगे. तो ऐड करेंगे तो 1111, दिस इज 0011, दिस इज 01, 11 इज 0 एंड 1 इज द कैरी एंड दिस वन इज 1, ठीक है. अब हम जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये क्या है, दिस इज 10, ये क्या है, दिस इज 12 और ये है 15. इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमने डेसिमल देखा तो ये है 10, 12, 15. ये तीनों ही सम जो है अबव, ये अबव 10 है, ठीक है. मतलब सम इज मोर देन 9, अबव 9 है ये, एक्चुअली अबव 9 है. और जबकि बाइनरी कोडेड डेसिमल कहता है कि जो बीसीडी कहता है जिसके अंदर हम 0 टू 9 तक ही वैल्यू रखते हैं, तो ये सारी ये जो सम आया है ये सभी जो है 9 से अबव है. तो अब हम इसमें कर देंगे प्लस 6, हमारा रूल रहता है अगर ये 9 से अबव हो तो हम इसमें प्लस 6 कर देते हैं, यानी 6 को ऐड कर देंगे, ठीक है. तो किस में ऐड करेंगे, इन तीनों में, ठीक है, 6 को ऐड करेंगे. और 6 होता है डेट इज 0110, 6 इज 0110, हमने 0110 तीनों में ही 6 को ऐड करना है और ये हम कर देंगे ऐड, ठीक है. अब जो रिजल्ट आएगा डेट इज 1, 11 इज 0, 111 इज 11,
है, वन एज द कैरी, वन वन इज जीरो, दिस इज वन वन, ठीक है, दिस इज वन वन इज जीरो, वन वन इज जीरो, वन एज द कैरी, वन वन इज जीरो, वन एज द कैरी, वन वन इज जीरो, वन वन इज जीरो एंड वन एज द कैरी, ठीक है। अब हम जो है इनके कर देंगे ग्रुपिंग फोर फोर बिट्स की, क्योंकि बी सी डी कोड 4 बिट के लिए होता है, तो हमने फोर फोर बिट की ग्रुपिंग कर दी। और दिस इज, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसके आगे लगा देंगे जीरो जीरो। तो अभी इसको खोलेंगे तो ये होगा 1135। तो इसका जो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट इज 1135, दिस इज द आंसर ऑफ एडिशन ऑफ दिस बिट्स इन बी सी डी कोड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने और 5 क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए। इससे पहले के पार्ट्स में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, इसको बहुत अच्छे से हमने अपने लेक्चर्स के थ्रू देखा है। इससे आगे भी हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ जाएं, क्योंकि पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से आपको कराई जा रही है। कोई भी अगर आपका कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइक शेयर इस लेक्चर को जरूर कर दें, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।